हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुमेश वानी आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा भारत के गवर्नर जनरल। देखिए, हमने इससे पहले के सेशन में अध्ययन किया कि किस तरह से भारत में प्रणालियां चल रही थी, मतलब कंपनी किस तरह से शासन करते आ रही थी। इसी क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो हमने देखा कि बंगाल में गवर्नर आए, है ना। उसके बाद बंगाल में गवर्नर जनरल का पद आया। अब समय जैसे जैसे परिवर्तित होता चला गया, इनकी मजबूत पकड़ बनते गई, है ना। तो इसी समय अब जनरेशन चेंज होता गया और यहां पे अब मुद्दा आता है भारत के गवर्नर जनरल। बेसिकली ये जो गवर्नर जनरल का पद था, ये भारत का पद के नाम से आता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। तो हमने इसको ये समझा था कि यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। इसी सेशन में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का कार्यकाल होता है आपका 1828 से लेकर 1835 तक, जिसके अंतर्गत ये शुरुआत में 1828 से लेकर 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर शोभायमान रहेंगे और समय रहते जब परिवर्तन होगा तो यह पद हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल। इस तरह से भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? आपके विलियम बेंटिक हुए, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इससे पहले, ठीक है, इससे पहले ये 1803 की ईस्वी में भूतपूर्व मद्रास के गवर्नर के पद पर विराजमान रह चुके थे। आगे बढ़ते जाते तो इनके कालक्रम को बेसिकली सुधार कार्यों के नाम से जाना जाता है या सुधारात्मक गतिविधियों के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो सुधार किस तरह से, तो देखिए सबसे पहले 1829-30 में सती प्रथा का अंत किया। अब मैंने यहां पे प्रश्न में उठाया है पॉइंट कि 1829-30 में सती प्रथा का अंत हुआ। बेसिकली पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो उसका आंसर होता है 1829। मैंने यहाँ पे 1829-30 क्यों लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे 1829 में सती प्रथा का अंत बंगाल में किया गया, जिसके लिए प्रयत्नशील रहे राजा राममोहन राय, ठीक है। देखिए 1830 का अवधि रहता है, इसमें मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी जो और दो भी थी, है ना, वहां भी कानून बनाकर सती प्रथा को बंद कराया गया। इस तरह से मैंने डेट लिखा था 1829-30। इसी क्रम में जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको अगले क्रम में दिखाई देता है 1830 के अवधि में ठगी प्रथा का अंत किया गया। ठगी प्रथा का अंत क्या है, मतलब इस समय इतने ज्यादा ठग हो गए थे जो लोगों को लूट रहे थे, ठीक है। तो इसका अंत करने के लिए विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लिमैन को नियुक्त किया, जिसने अपने प्रयासों से ठगी प्रथा का अंत कर दिया। तो प्रश्न होता है ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो याद रखेंगे ये नाम याद रखना है आपको, क्योंकि पेपर में इस नाम से संबंधित क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कर्नल स्लिमैन। अगले क्रम में देखेंगे तो 1833 की अवधि आती है। 33 की अवधि आने पर 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत चाय चीन पूर्णता, मतलब व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको पूर्णतः समाप्त किया गया और भी बहुत सारी गतिविधियां की गई, ठीक है। इनके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ज्यादा नहीं खींच रहा, लेकिन अगले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे जो कि 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अब अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने में किनका सबसे बड़ा योगदान रहा, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले का नाम है राजा राममोहन राय, जिनके प्रयासों से समय काल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। अगले क्रम में देखेंगे तो विलियम बेंटिक ने ही सरकारी सेवाओं में जो भेदभाव होती थी कि धर्म जाति लिंग के आधार पर जो भेदभाव विराजमान था उसे समाप्त कर दिया, मतलब अब कोई भी जो सक्षम है उसे सरकारी नौकरी मिल सकती थी। अगले क्रम में देखेंगे तो विधि आयोग का गठन हुआ। अब विधि आयोग मतलब कानून बनाने के तरीके, तो इसके लिए प्रयत्न किनका रहा, तो लॉर्ड मैकाले का नाम आता है कि विधि आयोग का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही, मैकाले की। किनके कार्यकाल के दौरान, बेंटिक के कार्यकाल के दौरान। लेकिन ये विधि आयोग जो था ये केवल सैद्धांतिक था, व्यवहारिक नहीं था। अब ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो मुद्दे आए। सैद्धांतिक क्या चीज होता है, जो केवल किताबों में हो या बही खाते में हो, ठीक है, केवल पन्नों में हो, लेकिन व्यवहारिक प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, ठीक है, केवल यह किताबों तक सीमित रहा परंतु इसकी कोई गतिविधियां देखने को नहीं मिली। इसीलिए मैंने शब्द लिखा यहां पे कि यह केवल सैद्धांतिक था।
ठीक है। इस तरह से आपका विलियम बेंटिक का कार्यकाल रहा, ठीक है, जिसमें इन्हें सुधारात्मक कार्यों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1831 के आसपास इन्होंने कुर्ग, जो अवध, इन सभी क्षेत्रों पर कुशासन के आधार पर अधिकार भी किया, परंतु वो पॉइंट आपके लिए उतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। अगले क्रम में बढ़ते हैं, तो इसके बाद कालक्रम आता है चार्ल्स मेडकॉक का, ठीक है, जिनका कालक्रम रहेगा 1835 से लेकर 36, मात्र एक साल की अवधि के लिए। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इनके क्रमों को केवल एक ही नाम आपके लिए सफिशियंट होगा, वो होगा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ठीक है। समाचार पत्र पे जो प्रतिबंध हर बार लग रहे थे, इसके लिए प्रयत्न किया था विलियम बेंटिक ने, परंतु उसे सुचारू रूप से लागू किया चार्ल्स मेडकॉक ने, ठीक है। इस तरह से प्रश्न होता है यहां पर कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है, तो वो होते हैं चार्ल्स मेडकॉक, ठीक है। अगले क्रम में आते हैं, तो अगले क्रम में देखने को मिलता है आपको लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का कार्यकाल है 1836 से लेकर 1842 की अवधि तक, ठीक है। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलता है आपको 1838। 1838 एक त्रिगुट संधि के नाम से जाना जाता है। त्रिगुट संधि मतलब तीन लोगों की मध्य संधि, और तीन लोग कौन कौन थे, ऑकलैंड, राजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब शासक रहेंगे, और शाह शुजा जो कि अफगान शासक रहेंगे, इन तीनों के मध्य समझौते होंगे, संधि होगी। इस संधि को त्रिगुट संधि के नाम से जाना जाता है। इसी संधि के तहत भारत में कोहिनूर हीरा वापस आया, तो भारत में कोहिनूर हीरा को वापस लाने का श्रेय किसे जाता है, राजा रणजीत सिंह को जाता है, ठीक। अगले क्रम में देखोगे तो इसी संधि का परिणाम था, मतलब ये जो संधि हुई, इसी संधि के विघटन मतलब टूट जाने पर समय काल में आंग्ल अफगान युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है। तो 1839 में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसके अलावा लॉर्ड ऑकलैंड को जीटी रोड के जीर्णोद्धार या नवीनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जीटी रोड क्या है, जीटी रोड का नाम इन्होंने रखा था ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। बेसिकली इसे भूतपूर्व नाम शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा 1543 के आसपास किया गया है। तो वर्तमान में जीटी रोड कहां है, तो देखिए वर्तमान में जीटी रोड आपका NH1 और NH2 इन दोनों को मिलाकर देखा जाता है, मतलब सोचिए उस समय यह मार्ग कितना लंबा रहा होगा। आज वर्तमान स्थिति में बात करेंगे तो NH1 और NH2 दोनों को जब मिला दोगे तब जाके आपको जीटी रोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जीटी रोड की भूमिका में इनका नाम आता है, ठीक है। अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एलन बरो का नाम आता है। एलन बरो का कार्यकाल 1842 से लेकर 44 की अवधि तक। इनका उपनाम था, इस उपनाम को जानना जरूरी है, अब तक तो क्वेश्चन आए नहीं लेकिन समय काल में आने के पूरे चांसेस होंगे, ठीक है। तो इन्हें ओल्ड मैन इन हरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें इनके समय में क्या क्या गतिविधियां हुई, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दास प्रथा का अंत किया, कब, 1843 की अवधि। अब ये दास प्रथा का अंत किया 1843 में, तो यहां पर दो सवाल उठते हैं कि दास प्रथा का अंत का जो प्रावधान है या किस एक्ट में देखने को मिलता है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत 1843 में एलन बरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। इसी क्रम में आगे देखोगे तो रविवार को अवकाश घोषित करने का श्रेय भी एलन बरो को जाता है, जिन्होंने 1843 में रविवार को अवकाश घोषित किया। इसके बाद देखेंगे इन्होंने इनके द्वारा सिंध का विलय किया गया 1843 में। अब ये सिंध कौन सा, तो पाकिस्तान क्षेत्र वाला सिंध का विलय किया गया अंग्रेजी शासन में, ठीक है, एलन बरो द्वारा ये किया गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर देखने को मिलता है कि थॉमसन आयोग कब आया, तो थॉमसन आयोग हुआ है 1843 में। थॉमसन आयोग किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ग्रामीण शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए संबंधित या ग्रामीण शिक्षा विकास से संबंधित है, कि ग्रामीणों को जो शिक्षा दिया जाए वो उनको उनके ही देसी भाषा में दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से ग्रामीणों के लिए कार्यरत रहने के लिए या शिक्षा पर संबंधित आयोग है वो है थॉमसन आयोग, ठीक है। 1843 की अवधि में यह थॉमसन आयोग आया हुआ है। इसके बाद देखेंगे मैंने यहाँ पे रेड मार्क में लिखा हुआ है विलियम विल्बरफोर्स बर्ड, ये कौन है, तो ये इसके जस्ट बाद कार्यवाहक के पद में आएंगे और इनका कालक्रम रहेगा 1844 से लेकर 44 तक, मार्च कुछ अवधि के लिए आएंगे शासन को संचालित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मुख्य अवधि फिर से
अगले क्रम में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कालक्रम क्या है? तो लॉर्ड हार्डिंग का कालक्रम होता है आपका 44 से लेकर 48, जिनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है नरबली प्रथा का दमन किया गया। नरबली प्रथा का दमन किया गया तो नरबली प्रथा कहां प्रचलित थी? तो ओडिशा के खोड़ जनजाति में प्रचलित थी। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि राजस्थान क्षेत्र में भी ये जनजाति पाई जाती है। हाँ बिल्कुल पाई जाती है, परंतु यह विस्तार आपका ओडिशा क्षेत्र का है, ठीक है। इसी तरह से आगे की ओर देखेंगे तो 1845-46 में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1845-46 में। एग्जैक्टली क्या होता है, 1839 की अवधि, 38-39 के बाद राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यह क्रम इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता रहेगा, ठीक है। इसी क्रम में अगले क्रम में आपको देखने को मिल जाता है आंग्ल सिख युद्ध भिड़ जाता है, ठीक है। इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि लाहौर की संधि के साथ सिखों को समझौता करना पड़ता है, जो कि संधि होती है 8 मार्च 1846 की अवधि में, ठीक है। इस तरह से इनका भी कालक्रम में कुछ खास गतिविधियां देखने को नहीं मिलती है। ये सभी जितने भी पॉइंट्स यहां लिखे जा रहे हैं सारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जा रहे हैं, क्योंकि समय इतना नहीं कि एकदम डीप में जाया जा सके, लेकिन हाँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन पर जरूर टारगेट किया जा सकता है। अगले क्रम में देखने को मिलता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कालक्रम होता है 1848 से लेकर 56 की अवधि तक। अब 1848 से लेकर 56 की अवधि तक जब देखने को मिलता है तो इनके कालक्रम को बेसिकली विकास का कालक्रम भी बोल सकते हो और दमन का कालक्रम भी बोल सकते हो या शोषण का भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसने विकास करे तो बहुत करा है, लेकिन कहीं ना कहीं शोषण भी हुआ। सच कहें तो डलहौजी ही थे जिनकी वजह से 1857 का संग्राम हुआ। तो देखेंगे इनके द्वारा इस संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है 1848 में लाया गया हड़प नीति। हड़प नीति को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देखेंगे व्यपगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसी तरह से रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको देखने को बहुत कम मिलेगा कि रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति का प्रादुर्भाव डलहौजी के द्वारा किया गया है। डलहौजी एक ऐसी रणनीति लेकर आता है जिसके तहत भारतीय शासक जिनके कोई उत्तराधिकार न हो या जो शासन को चलाने में असमर्थ हो उनके शासन को अंग्रेजी साम्राज्य या अंग्रेजी राज्यों में मिला दिया जाता है। यह होता है आपका हड़प नीति, और इस तरह से उनके शासन को हड़प लिया जाता है। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया? तो डलहौजी के लाया गया। कब लाया गया? तो 1848 में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो होता है कि कब कब किन किन क्षेत्रों में हड़प नीति लागू हुई। देखेंगे सबसे पहले 1848 में सतारा के द्वारा हड़प नीति अपनाया गया या हड़प नीति उस पर लागू किया गया, ठीक है। तो हड़प नीति का पहला शिकार कौन हुआ? सतारा 1848 में। अगले क्रम में देखिएगा 1849 में जैतपुर और संबलपुर को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। इसके बाद 1850 की अवधि में बगहा क्षेत्र को विलय किया गया। अगले क्रम में देखेंगे तो 1852 में उदयपुर को भारत मतलब अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। अब ये उदयपुर लिखा है तो ये कौन सा उदयपुर है? तो कोई भी इसको राजस्थान वाला मत समझ लेना, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र का है उदयपुर, ठीक है। 1852 में उदयपुर जो मध्य प्रदेश क्षेत्र का उसको अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अगले क्रम में देखेंगे तो 1853 में झांसी को अंग्रेजी में विलय किया गया। 1854 में नागपुर को किया गया। 1855 में बरौली को किया गया, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको 1856 में अवध को भी विलय किया गया, लेकिन अवध के लिए यह हड़प नीति लागू नहीं होती है। और यहां पर यह है कि कुशासन के आधार पर अवध को आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर अपने में विलय किया गया, ठीक है। इस तरह से अंग्रेजी राज्यों में इन सभी राज्यों का या इन सभी क्षेत्रों का विलय किया गया। यहां पर प्रश्न दोहरे तरीके से हो सकते हैं कि स्पेसिफिक नाम को उठाकर प्रश्न पूछ सकता है एक, दूसरा इस पहले नंबर पे कौन हुआ ये पूछ सकता है। इसी में एक प्रश्न हो सकता है कि समय काल में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आंग्ल सिख दूसरा युद्ध हुआ है, ठीक है। तो इसके तहत पंजाब को भी विलय किया गया, लेकिन पंजाब को विलय होने के लिए सैन्य लड़ाइयां हुई, इसके बाद यह हुआ है, तो इसको इसमें नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हो सकता है जो थोड़ा हार्ड हो सकता है, वो ये कि इनको क्रम में जमाने के लिए, तो भाई क्रम में जब पता रहेगा तो जमाने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने जैसे जिस क्रम में जमाया हुआ है इसी क्रम में इनको विलय किया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे।
अगले क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 1848 से 49 की अवधि में आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया सैन्य कार्रवाइयों के द्वारा। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी सेना सुधार के कार्यक्रम या सेना सुधार के नाम से भी जाना जाता है कि इन्होंने सेना में भी सुधार कराया। किस तरह से, तो देखेंगे सबसे पहले तोपखाने का निर्माण कराया। कहां निर्माण कराया? मेरठ में। और कार्यालय, सेना का कार्यालय बना दिया जाएगा शिमला। शिमला समय काल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनकर उभरेगी। ठीक है, कैसे देखेंगे तो 1850 की अवधि में सिक्किम को विलय किया गया। अब सिक्किम को कैसे विलय किया गया, तो यहां पर दो डॉक्टर थे, अंग्रेजी डॉक्टर या इंग्लैंड के निवासी जो भी है ना, तो दो अंग्रेजी डॉक्टरों पर या डॉक्टर के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया इनके द्वारा। इसके आधार पर सिक्किम को अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से सिक्किम भी अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है। अगले क्रम में देखेंगे तो 1852 में आंग्ल बर्मा द्वितीय युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत 1852 में लोअर बर्मा का विलय कर दिया जाता है। ठीक है, अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे 16 अप्रैल 1853 की अवधि, इस अवधि में भारत में पहली बार रेल का प्रारंभ हुआ। तो पहली बार रेल कहां से कहां तक चली, तो याद रखेंगे मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया, 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यह चला गया है ना, और साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि भाप इंजन से चल रहा था। तो खैर आज की डेट पे ये सभी को पता रहता है। ठीक है, तो उतना खासा नहीं है लेकिन जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे 1854 की अवधि में डाक टिकट जारी किया गया। अब ये डाक टिकट जारी किया गया तो इसका नाम क्या था, है ना, तो जो डाक टिकट जारी किया गया इसका नाम था पोनी पोस्टेज। कहां से जारी किया गया, तो कराची पाकिस्तान से जारी किया गया, फिर याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डाक टिकट जारी हुआ। इसी क्रम में देखेंगे विद्युतार सेवा प्रारंभ किया गया। ठीक है, जो आधुनिकता का प्रमाण है, किनके मध्य, तो कोलकाता से आगरा के मध्य, यही एक सेवा थी जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंग्रेजों के लिए। ठीक है, सच कहें तो यही एक था जिसके दम पे हमारे क्रांतिकारी जो थे वो हार रहे, क्योंकि सूचनाएं इस तरह से प्रसारित हो रहे थे कि कोई भी जो सूचना होती थी, गुप्त सूचनाएं जो होती थी, वो आसानी से अंग्रेजों तक पहुंच जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से यह एक ऐसा सिस्टम था जिसके बेस पे हम 1857 की क्रांति हार गए। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे तो 1854 का आता है। 1854 में पुनः एक चार्ल्स वुड डिस्पैच का नाम आता है, जिसे भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार अधिनियम के तहत इसको जाना जाता है। इसी के तहत समय काल में विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, तो अगले क्रम में इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1856 की अवधि में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ठीक है, किनके द्वारा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया, जो 1856 में अगले क्रम में जो जाएगा है ना, उस समय यह पारित हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका लॉर्ड डलहौजी का क्रम है। अगले क्रम में बढ़ते हैं तो आपका नाम आएगा लॉर्ड कैनिंग, जिनका कालक्रम रहेगा 1856 से लेकर 1862, लेकिन इनके कालक्रम को हम नॉर्मल रूप से 1857 तक ही जाएंगे। आने वाले के लिए अगले के क्रम में हम आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे उसके बारे में, है ना। तो देखिए यहां पर आपको ये समझना है कि 1856 में सबसे पहले ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, इसको लागू करने वाला कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। या पारित हुआ प्रश्न बनता तो इनके कालक्रम में, लाया गया डलहौजी के कालक्रम में, लेकिन पारित हो पाया कैनिंग के कालक्रम में। ठीक है, इसी तरह से 1857 में ये जो आपका विश्वविद्यालय सुधार आयोग जो आया, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पहले तीन विश्वविद्यालय कौन कौन बने, कोलकाता, मद्रास और बंबई। ठीक है, जो कि 1857 में जिनका निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती। तो इस प्रकार से ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। इसके बाद 1857 का युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत समय काल में अंग्रेजी सत्ता, जो कंपनी की शासन थी, उसे ब्रिटेन की महारानी के द्वारा अध्यारोपण कर लिया जाता है, उसे अपने में ग्रहण कर लिया जाता है, और इस प्रकार से यह शासन अब ब्रिटिश के अधीन चला जाता है। और इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनकर आते हैं।
तो इस तरह से इसके बारे में आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज के दृष्टिकोण से जो आज हमने ये वीडियो देखा इसमें हमको क्या क्या जानकारी मिल रहा है, तो देखिए विलियम बेंटिक के बारे में जानकारी मिल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, दोनों पॉइंट इसी में है, ठीक है। इसके बाद सती प्रथा का अंत किया गया किनके प्रयासों से, तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से। किनके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, मतलब उन्होंने प्रयास किया लेकिन उसे कानूनी स्वरूप किसने प्रदान किया, विलियम बेंटिक ने प्रदान किया। अगले क्रम में देखेंगे 1830 में तो ठगी प्रथा का अंत किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, स्लीमैन के द्वारा, ठीक है। चार्टर एक्ट के मुद्दे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैकाले के द्वारा विधि आयोग को प्रस्तावित किया गया जो कि सैद्धांतिक रूप से लागू हुआ, ठीक है, व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया। अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, इसके लिए भी प्रयास किसका रहा, तो राजा राममोहन राय का। इसी अवधि के 1833 की अवधि में राजा राममोहन राय का ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हो जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो खैर वो समाज सुधारकों के दृष्टिकोण से बाद में उस चीज को स्टडी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो चार्ल्स मेटकॉक का नाम आता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। एकमात्र क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है इस चीज को, है ना। ऑकलैंड के बारे में जानते हैं, तो ऑकलैंड की सिचुएशन भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जीटी रोड के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, बाकी ये पॉइंट्स तो हैं लेकिन जीटी रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एलन बरो के बारे में जानते हैं, चारों पांचों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थॉमसन आयोग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित आयोग है, है ना। रविया राव का घोषित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनके कार्यक्रम में किया गया है। दास प्रथा का अंत किया गया 1843 में, लेकिन एक्ट किनके, तो एक्ट था 1833 का जिसके अंतर्गत लागू हुआ 1843 में, ठीक है। इसी तरह से इनका उपनाम के नाम से जाना जाता है ना, इनकी तो कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा है कि हाँ भाई कार्य वहां के बतौर ही कार्यरत थे। अगले क्रम में जब हार्डिंग को स्टडी किया, तो हार्डिंग में आपने क्या जाना, नरबलि प्रथा का दमन किया गया है, ठीक है। तो नरबलि प्रथा कहाँ प्रचलित थी, खोड़जन जाति में प्रचलित थी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगले क्रम में चलोगे तो ये देखिए ये वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है भैया कि हड़प्पा नीति जो लागू हुआ कहां कहां कब कब लागू है, इसका क्रम भी पूछा जाता है, स्पेसिफिक जगह को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले क्रम में सेना सुधार हो गया आपका, है ना, आंग्ल बर्मा युद्ध देखने को मिल रहा है, रेल व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से ध्यान से स्टडी करना है, यहाँ पे जो भी चीज आपको दिया जा रहा है श्योर शॉर्ट कंटेंट्स हैं, पेपरों में डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी पे गहन अध्ययन कीजिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।